Good morning, class. Welcome to Gurukul International School. I hope you all are good. Welcome to class 1. Students, now you are not small kids anymore. You all are growing up. I, Priya, is a new subject teacher and the new subject is computer. What is computer? Kya aapne computer dekha hai? Yes. Okay. The first chapter of your new subject is computer and information technology. Usme aap pehli cheez jo seekhenge is information. So, what is information? Information is something we get to know either through study or experience or instructions. Aapko agar कोई जानकारी कुछ पढ़ के या किसी के कहने से मिलती है उसे इंफॉर्मेशन कहते हैं. यू रिसीव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ मैसेजेस, न्यूज, स्टोरीज और सिंपल कन्वर्सेशन. एग्जाम्पल, थ्रू टेलीविजन, न्यूज़पेपर, वी गेट टू नो अबाउट न्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड. टीचर टीचिंग अस अबाउट गुड हैबिट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन. But do you know when you give or receive information, you are communicating. Means exchange of information is called communication. आप अगर फोन पे किसी से बात करते हो, you are exchanging information through phone. Similarly, जब आप टीवी देखते हो, रेडियो सुनते हो या फ्रेंड्स से मिलकर जो भी बातें करते हो, व्हाट आर यू ऑल डूइंग? यू ऑल आर कम्युनिकेटिंग. व्हाट आर यू ऑल डूइंग? कम्युनिकेटिंग. नाउ वी विल लर्न अबाउट टेक्नोलॉजी टूल्स. डोंट वरी, इट इज नॉट डिफिकल्ट एज यू हियर. टेक्नोलॉजी टूल्स मीन्स थिंग्स और टूल्स दैट आर मेड टू मेक आवर वर्क ईजी. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्लॉक में अलार्म सेट किया है, इट हेल्प्स यू टू बी रेडी ऑन टाइम फॉर स्कूल. सो क्लॉक इज अ टेक्नोलॉजी टूल. वैसे ही वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते ही वो ऑटोमेटिकली धुल जाते हैं. ड्यू टू दिस, योर मॉम सेव्स हर टाइम एंड एनर्जी. सो क्लॉक एंड वॉशिंग मशीन क्या हुए? टेक्नोलॉजी टूल्स. क्या हुए? टूल्स. गुड. अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर नेचुरल थिंग्स. आप जब बाहर जाते हो मम्मा पापा के साथ गाड़ी में, तो आपको ट्रीज, बर्ड्स, डॉग, कैट, ये सब चीजें दिखते होंगी ना? This all things are made by Mother Nature and cannot be made by people like us. So, these are known as natural things. अगर ये natural things है, तो man-made things क्या होगी? Things that are made by man are known as man-made things. Example, car, जिससे आप घूमने जाते हो. Table, जिसके ऊपर आप पढ़ाई करते हो. ये सब चीजें क्या हुई? मैनमेड थिंग्स. हियर वी फिनिश विद आवर चैप्टर 1. दिस इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग योर स्टडीज एट होम. वेलकम to the computer class. Today we will be learning about uses of computer in a day-to-day life. How computer can be used at home. At home we can watch cartoons, films and movies on a computer. You can play games on a computer. You can listen to the music on computer. You can use a computer to search information on the internet.
You can use a computer to send emails through the internet. आपके पापा ऑफिस का काम करते हैं ना? वो कैसे होता है? ईमेल के थ्रू होता है. You can write letters on a computer. कंप्यूटर पे आप टाइपिंग भी कर सकते हो. A to Z, 1 to 100 नंबर्स भी लिख सकते हो. You can draw pictures on a computer. आप कंप्यूटर पे ड्राइंग भी कर सकते हो, कलर भी कर सकते हो. Uses of computer in the school. Computers are used to keep students records. Computers are used to teach students at school. Computers school में पढ़ाने के लिए भी काम आते हैं. Uses of computers in office. Computers are used to maintain accounts. Example, आपकी मम्मी आपके रिपोर्ट कार्ड संभाल के रखती है ना, क्योंकि आप आगे और भी अच्छा कर सके. So she keeps records of your studies. वैसे ही ऑफिस में भी अकाउंट मेंटेन होता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ. कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर ईमेल्स एंड यूजिंग द इंटरनेट. कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स, banks, at airports and railway stations for ticket reservation and so on. Disadvantages of computers. First, need instructions to do work. उसको order चाहिए होता है काम करने के लिए. Second, cannot take its own decision. वो खुद कुछ decide नहीं कर सकता कि मुझे क्या करना है. थर्ड, कैन डू पर्टिकुलर टास्क फॉर विच इंस्ट्रक्शन आर गिवन. वो उतना ही काम करता है जितना उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उससे ज़्यादा या उससे कम वो कुछ नहीं कर सकता. फोर्थ, पोसेस मैनी फिजिकल हेल्थ रिस्क. अगर काफ़ी समय तक, काफ़ी टाइम तक आप कंप्यूटर के सामने बैठोगे तो शायद आपका फिजिकल हेल्थ रिस्क में आ जाएगा. फिफ्थ, नीड्स इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क. कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, कंप्यूटर को लाइट चाहिए होता है, उसके बिना वो नहीं चल सकता. दैट्स ऑल फॉर द डे क्लास. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेल. बाय, टेक केयर.